वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन जी, ब्रेक का पे मौजूदा सियासी सूरत हाल पीडीएम के मुस्तकबिल बाबत खास तौर से बिलावल भुट्टो जरदारी पारा जी की स्टेटमेंट दिनी वही लाड़काना इलेक्शन के हवाले से एस्टेब्लिशमेंट के वोट दियण के हवाले से एक स्टेटमेंट दिनी उन बाबत जीयूआईएफ जो भी मौकफ मालूम किया मुफ्ती कफायतुल्ला साहब से उन्होंने गाल बोल की। ब्रेक का पीपल्स पार्टी जहाँ सीनियर अगवाणन सेनेटर ज्ञानचंद वो असा गुड मौजूद हैं अस मालूम कहसी जो इन वक्त सियासी सूरत हाल कें तरफ वही रही है। पीएमएलएन गडल तौर से पंज सियासी पार्टियों पारा यो फैसलो किया वो है तो 27 सेनेटर से बदल एक अपोजिशन इतिहाद बो वे। ज्ञानचंद पा भी सेनेटर सेनेट में मौजूद हैं उन गोल कहते साई वही मेहरबानी तुम कीमती वक्त दिनो। इन वक्त एक तो सियासी सूरत हाल ये नजर अची रही है सेनेट में हाँ बोजिशनू थन्द इन सा फायद सीधो सा तो यकीनी तौर से हुकूमत के पर तथा समझो जो हुकूमत के खिलाफ इन वक्त जो इतिहाद वो इतिहाद हाँ मुकम्मल तौर से टुटी चुको है। उन लॉन्ग मार्च के सबोताज करण के ला उन सा गढ़ियो वो तो भी जे करे इस्तीफाऊं दी दो तो लॉन्ग मार्च थी दो जने तो इन मामले से पीपुल्स पार्टी जो मौक अग में ही अची चुको हो पो उन का अग में जे कने सा अचू तो मुख्तलिफ असा जे पार्टी जो मौकफ हो तो बायकॉट कजे इस्तीफाऊं जन बाय इलेक्शन जो बायकॉट कजे असा पीपुल्स पार्टी इन ते इंसिस्ट कयो कन्विंस कयो तो न अस बाय इलेक्शंस में वनू मानून जो मोड सामू अचे वो तुम दिखो सेनेट इलेक्शंस में वनू तुम दिखो सेनेट इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के संदसी कॉन्स्टिट्युएंसी नेशनल असेंबली में शिकस्त मिली अस सेनेट की इलेक्शन गडल तौर से विड़ी सी तुम दिखो तो सेनेट की इलेक्शन अपोजिशन के इतिहाद खटे वरतो ऑल ऑफ सडन जो इस्तीफान जो मामलो विचते आयो पीडीएम के लॉन्ग मार्च के इस्तीफा में कन्वर्ट करने की कोशिश कई हुई उन सजा मामला बिगड़ी वह उन बिगड़न के पया कौ हथ है किथे है पीपुल्स पार्टी तो पहले ही खान मौकफ से हुई तो अस इस्तीफाइन वाले पर ज्ञान साहब इखलाके जवाब तो न पेठ न जै पार्टी के खिलाफ तुम कैंडिडेट बिहार उन्हीं पार्टी के मेम्बरन जहा वोट खड़ी अपोजिशन लीडर ठाण इखलाके जवाब तो खत्म थी तो वे न दिसो जदे ता वट हालतू उन जगह ते पहचन जिते ता हां पेजे पेजे कैल गालिन के पेजे पेजे तयशुदा मामलन ते नथा भी हो उन का पो केर के वक्त में वो किथे वो वनी सके तो वो पार्टी के सेनेट के चेयरमैन में वोट न नु वो जकने अपोजिशन लीडर तौर ते जकने वो मानु वचन था या अपोजिशन के सपोर्ट कन था तो ता उनके इनकार बंद था करे सगो सुवाणे असा तो चाहियु था यूसुफ अल्लाह गिलानी वट एतरा वोट नो हा सॼी अपोजिशन वट एतरा वोट नो हा पर वो इलेक्शन प्रोसेस पर मुहायदो तो पीपल्स पार्टी ना है तोड़ो त्यां जे ख्याल में छाकर त पीडीएम में यो मुहायदो तो ते थयो न त अपोजिशन लीडर पीएमएलएन जो हुंदो चेयरमैन सेनेट गिलानी साहब हुंदो आई सजे मामला तो ते थी या डिप्टी चेयरमैन गफूर साहब हुंदो त मुहायदो तो मुजो जेको जाहिर आ तो उनमें पीपल्स पार्टी टुटने नजर अची रही है मुहायदे तोड़ियो आ ना मुहायदो यो मुहायदो न हो एक अंडरस्टैंडिंग पैदा थी त तहां सेनेट चेयरमैन से यूसुफ रजा गिलानी शागन कदावर शिक्षा वह भी थी यूसुफ रजा गिलानी का डिप्टी चेयरमैन से नून लीग जो बी बे नंबर की पार्टी की नून लीग के डिप्टी चेयरमैन वो हो पर उन्होंने वह सीट मौलाना साहब के डिनी तो उन पीपुल्स पार्टी चेयरमैन से वजे थी डिप्टी चेयरमैन से मौलाना जो मानू अची तो वजे थर्ड तौर से उन्होंने बेन रखने ला अपोजिशन लीडर से कंसेंसस सा फैसलो कयो वेंदो कारण कंसेंसस के मामले से पैतासी को विच में जो कुछ वहो वापरियो सेनेट के चेयरमैन की इलेक्शन न कटे सकया सी डिप्टी की इलेक्शन न कटे सकया सी सही अची अपोजिशन के पाई वाहिद अपोजिशन पार्टी पर ज्ञान साहब मुखे थोड़ो एकड़ी शे समझण जे मा चाहा तो मुखे एकड़ी गाल समझ खां भारत रा त एकड़े पासे त पीपल्स पार्टी चवे थी त पीडीएम जो इतिहाद असा जो बरकरार आए बे पासे बिलावल साहब लाहौर में जी बी करे चवे तो त माजी जी सिलेक्ट पार्टी जी के माजी में सिलेक्ट थी पीएमएलएन जा इशारो कई बे पासे जेयूआई के कल कावराए छनी उने में बिलावल साहब स्टेटमेंट दिनी त हुनन जीडीए जे गडल उम्मीदवार के वोट दिनो एस्टेब्लिशमेंट जे उम्मीदवार के वोट दिनो पीपल्स पार्टी की मुखालफत कई तो तुम ना समझो तो हाँ तुम जी अपोजिशन गड हुई उन सभी पार्टियों के पीपल्स पार्टी नाराज कर छो पीपल्स पार्टी जे मुख्तलिफ पार्टी मरियम नवाज से स्टेटमेंट के जवाब में बिलावल साहब गल है हो ना जे कदे यू पार्टियों पीपल्स पार्टी ते इन किस्म जो गंद उछलाण शुरू कर दूं
चवे तो पुछ कारी यो मुनासिब को ने मौलाना साहब की पार्टी हुजे नून लीग हुजे माशाल्लाह मुख्तु प्रोसेस में असि गड बर रहे हैं उनके बेचे खिलाफ बर रहे हैं सो असा है कि बे चंगी तरह सुनाऊ तो सिलेक्टेड के रहन केड़ू पार्टी वन जन अमृतन जो साथ वो तो खाकान बासी साहब ज्ञान साहब कबूल करे व तो ना एकड़े प्रोग्राम में खाकान साहब चो तो मां भी सिलेक्टेड आ पीपी भी सिलेक्टेड आ सब सिलेक्टेड आयो तो पो जब जडे ते सबनी पार्टी जो ने तस्लीम करे छड्यो आ तो हाने लिख केड़ी गाल जी ही जेका जमुरत मौजूदा जमुरत आहे या जमुरत पीपल्स पार्टी जे वर्करन जे खून जे करया है पीपल्स पार्टी जी जदोजहद जे करया है ही बाकी सब बेनिफिशियरी आ ना केड़े मरले ते ही रहया जुल्फकार अली भुट्टो जो सुभाणे शहादत जो ॾियारो आहे छा जुल्फकार अली भुट्टो ॿाहिरि न पियो वञी सघियो छा जुल्फकार अली भुट्टो एस्टेब्लिशमेंट सां कंहिंनि कंहिं मुआहिदे ते अची करे पंहिंजी ज़िंदगी न पियो बचाए सघियो छा बेनज़ीर भुट्टो जेका दुबई वञी चुकी हुई उहो एमरजेंसी नाफ़िज़ थियण खां पोइ वापसि न अचे ऐं चैलेंज न करे हा त हुनजी ज़िंदगी न पियो बची सघी त पीपल्स पार्टी हा हिन सिस्टम में जेको असांजो आहे जंहिंमें ज्ञान साहब तुम तलख हकीकत का नजर नथा हटाए सको नथा समझो तो जनरल याहिया जनरल अयूब का जुल्फकार भुट्टो की सियासी पार्टी आई जडे त जनरल ज़िया खां पोइ पी एम एल एन जी पार्टी आई ऐं जॾहिं त मुशरफ जे आमरियत जे दौर खां पोइ काफ लीग आई हर सियासी पार्टी जो दौर जे पोयां आमरियत जो दौर आहे इन ॻाल्हि खां हक़ीक़त खां इनकार त नथो करे सघिजे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो माण्हुनि सां गॾु बीठो ऐं जान पंहिंजी ॾेई छॾी हाणे उन्हनि पार्टियुनि खे जेकॾहिं तव्हां ॿिनि पार्टियुनि सां भेट ॾींदो त हू आया हू आहे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो अयूब ख़ान जी पैदावार न हो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो अयूब ख़ान जे आमरियत खे लत हणी मैदान ते न मां इहो न पियो चवां ज्ञान साहब मुंहिंजो अर्ज़ इहो आहे त मुंहिंजो चवण हर आमरियत खां पोइ हिकु सियासी पार्टी जनम वरितो आहे इन हक़ीक़त खां त इनकार नथो करे सघिजे न ॾिसो हिकिड़े बेबी ट्यूब मां निकितियूं आहिनि हिकिड़ियूं बर्थ प्रोसेस आयूं आहिनि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शाहनवाज भुट्टो जो पुटु आहे जेको इंडिया जे कंहिं रियासत जो प्राइम मिनिस्टर थी बि रहियो जेको पाकिस्तान खां अॻु में पॉलिटिक्स में रहंदड़ माण्हू हो उन माण्हू जेकॾहिं मुल्की मफ़ाद में चैलेंज करे पंहिंजी पोज़ीशन खे छॾे उन आमर खे चैलेंज करे आयो निकितो ऐं अॼु जी जेका जमूरत आहे उहो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जे फाही ते चढ़ण जे करे आहे उनजे खून जे करे आहे ऐं उनजो तसलसल जेको पीपल्स पार्टी आहे पर ज्ञान साहब अगर पीपल्स पार्टी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जे पैरोकार आहे उन्हनि जे कदमनि ते हले थी त हिन वक़्तु हिन हुकूमत खे तव्हां इलेक्टेड हुकूमत नथा चओ सिलेक्टेड हुकूमत था चओ ऐं ख़ासि तौर ते एस्टेब्लिशमेंट जी सिलेक्टेड हुकूमत था चओ त ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जीअं तव्हां पाण चयो त सिलेक्टेड या उन एस्टेब्लिशमेंट खे नाहे मञियो त हिन हुकूमत खे पीपल्स पार्टी छो मञी रही आहे हिन हुकूमत जे हिमायत याफ़्ता सेनेटर खे चेयरमैन सेनेट जी वोटरनि सां छो पंहिंजे पाण खे अपोज़िशन लीडर मुंतखब कराए रही आहे इहो तज़ाद न आहे बिठो इहो तज़ाद छा यूसुफ रज़ा गीलानी जॾहिं नेशनल असेंबली मां खटे आयो त तज़ाद मौजूदु न हो छा यूसुफ रज़ा गीलानी खे गवर्नमेंट जे जेके गवर्नमेंट में वेठा आहिनि पीटीआई जा जेके माण्हू उन्हनि वोट न आहिनि क्या त पर ॻाल्हि इहा थी बीहे त असां उन सॼी जमूरियत खे हिन मरहले ते वठी आया आहियूं असां त कॾहिं क्वेश्चन कोन्हे कयो त केरु जेल मां सिधो इलाज कराइण थो वञे असां त कॾहिं क्वेश्चन कोन्हे कयो त चार ॿ ॿ साल टे टे साल ख़ामोशी अख़्तियार थी कई वञे मौलाना साहिब धरणो हणी वेह थो उथी हलियो थो वञे मुख़्तलिफ़ ॻाल्हियूं चवनि थियूं त इहे सभु शयूं अपोज़िशन में दरार मतिलबु ज्ञान साहब तव्हां सम्झो था त जमहूरियत जे तसलसल खे मज़बूत करण जे लाइ तहरीक इंसाफ़ जी हुकूमत खे 5 साल ॾिना वञनि ॾिसो असां तहरीक इंसाफ़ जी हुकूमत खे 5 साल ॾियण जी पीपल्स पार्टी कॾहिं बि ॻाल्हि कोन कई आहे पीपल्स पार्टी 5 साल जे पार्लियामानी सिस्टम खे बरक़रार रखण जी ॻाल्हि अॼु बि करे थी सुभाणे जेको बि थो हुनजे लाइ कंदासीं विद इन द हाउस विद इन द पार्लियामेंट चेंजिस नज़र अचनि थियूं असां उन हाउस में खटे चुका आहियूं जेकर पीडीएम जूं पार्टी जेके पीपल्स पार्टी जे लीडरशिप जे ॾाहिक जे करे जेका हुनजी पॉपुलरिटी वधे थी उन जूं टंगू छिकण जे बजाए जेकॾहिं इमरान ख़ान जे पुठियां लॻनि हा त छा पंजाब में चेंज न थी आणे सघिजे
नेशनल असेंबली में जेकर सेनेट की सीट खटे सकजे ते छा इमरान खान के नो कॉन्फिडेंस में नथवार ज्ञान साहब आखिर में आखिर में आखिरी सवाल पूछन चाहे तो आखिर में सिर्फ एतरो बुधाय जो जे कफायतुल्ला साहब तो चो तो पीपल्स पार्टी अगर साथ न दिनो तो अस अलग तहरीक हलाइंदासी हुकूमत के खिलाफ छा तहां भी अलग हलाइन जो इरादो रखनो या पीडीएम का अलग थियो तो बस पोते हटन जो इरादो आ ता जो जो पीपल्स पार्टी सदाई जदोजहद में रही है पीपल्स पार्टी पावर पॉलिटिक्स का अगते पार्लियामेंटरी सियासत के तरजीह देती डेमोक्रेटिक सिस्टम के मजबूत करने की चाहे पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के इंश्योर करने की चाहे उनके ला असा हर हर वक्त में जदोजहद में हूं गवर्नमेंट में होंदे व जदे असा 8 का 13 ताई वासी तरे में पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी ला जदोजहद में वासी यो ही सबब है जो आसिफ अली जरदारी सदर होंदे पे जाप्तारात पार्लियामेंट तरफ मुंतकिल कया सो तो पीपल्स पार्टी पेंची जदोजहद ते डेमोक्रेसी ला जदोजहद ते पार्लियामेंटरी सुप्रीमेसी ला ट्रांसपेरेंसी ऑफ इलेक्शंस जला जदोजहद में रहंदी को पार्टी साथ दे दी तो ठीक है लेकिन नथी दे तो पीपल्स पार्टी पेंची जगह ते इन जदोजहद का करे इन जदोजहद जो हिस्सो रहंदी है जदोजहद हुकूमत के खिलाफ जारी रहंदी बड़ी मेहरबानी सेनेटर ज्ञानचंद साहब ता पांजो कीमती वक्त दिनो ए पीपल्स पार्टी जो इन वक्त जी की सियासी सूरत हाल आ उन बाबत पांजो मौकफ बयान कयो नजरे सेनेटर ज्ञानचंद असन गन मौजूद आ इन वटा जी ब्रेक ही ब्रेक खापो मुल्क में मौजूदा कोरोना सूरत हाल ते भी गाल कर कदा से